हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली में दोस्तों बड़ी जबरदस्त वैकेंसी आउट हुई है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, एनबीसीसी के अंतर्गत वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों। ये अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वैकेंसी आउट हुई है। और पक्की सरकारी नौकरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल का पंगा बिल्कुल भी नहीं है। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सारे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, पोस्ट का नाम है ऑफिस असिस्टेंट। तो बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें बताई गई है सारी अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों एनबीसीसी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। सबसे पहले मैं बता देता हूं एनबीसीसी है क्या। एनबीसीसी एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जो कि अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये वैकेंसी आउट हुई है, जो कि पक्की सरकारी नौकरी है। पोस्ट का नाम है दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट, जिसको स्टेनोग्राफर भी बोलते हैं दोस्तों। अगर आपने स्टेनोग्राफर का नाम सुना होगा तो आपको ये इस पोस्ट के बारे में पता होगा दोस्तों। ग्रेजुएशन इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर मांगा है, और स्टेनो की जो आपकी स्पीड मांगी गई है 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी स्टेनो की स्पीड मांगी गई है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपको मिलती है दोस्तों पे स्केल के हिसाब से 18,430 रुपए, यानी कि जो आपकी लगते ही सैलरी बनती है 25,000 से 30,000 के बीच बनती है दोस्तों। तो इसको फ्रेशर सारे अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात करते हैं दोस्तों, ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए 25 साल। आपके उनमें एक सवाल जरूर आया, वो क्या सर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन वो निकला है दोस्तों। एक पोस्ट निकली है वो भी ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस पोस्ट को आप जरूर अप्लाई कर देना। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की और आपको अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो इसकी जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2021 से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आपकी पोस्टिंग होगी दोस्तों दिल्ली में, दिल्ली के अंतर्गत आपकी पोस्टिंग होगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन है सुझाव तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।